मंत्री जी ने बताया कि मंदी की बात क्या मंत्री जी ने, कि जो जो मदद जो हेल्प आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हालत ये है कि आज बैंक पे बैंक बंद होता जा रहा है। जो देश आज हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्री में था उस लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। तो अब ये महाराष्ट्र सरकार को बहुत ही कायदे के साथ महाराष्ट्र को संभालना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों को मिल करके, अध्यक्ष महोदय आज आज जो है कर्ज जो है 2,82,448 करोड़ जो है 5 सालों में और बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1% अगले 2 सालों के लिए MMR रीजन पूना चिंचवड़ नागपुर मुंबई में छूट दिया है, जबकि सबसे ज्यादा मंदी हाउसिंग सेक्टर में है। अध्यक्ष महोदय, इसे रिव्यू करना चाहिए। हर बेघर को घर का नारा दिया गया सरकार ने दिया है, मगर हाउसिंग सेक्टर सबसे ज्यादा ठप पड़ा हुआ है। 1% जो सरकार ने राहत दी है, मेरा ये निवेदन है कि 1% ये पर उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक कि मंदी खत्म नहीं होती। घरों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अफोर्डेबल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग पर। हर आज क्या हो गया कि PNB बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, अभी यस बैंक, ये सब बैंक दिवालिया होती जा रही है। सैलरी जो सैलरी क्लास के लोग हैं उनको मुंबई में घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, सरकार उनको मजबूत करे ताकि कोऑपरेटिव बैंक से लोग लोन लेकर घर ले सकें। अध्यक्ष महोदय, MLA का फंड 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है, ये सरकार ने बढ़ाया। मैं सरकार का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सरकार, देखिए मुंबई शहर में जैसे मलबार हिल है, जो डेवलपिंग डेवलप एरिया है, वहां पर इतना काम नहीं है, लेकिन सब जो फंड मिलता है स्लम एरिया जो बहुत काम है, गली गटर सड़क बहुत खराब एरिया है, हमारा सारा फंड गलियों में चला जाता है और पैसा कम पड़ता है। और मालूम है कि सर 3 करोड़ आता है तो उसमें जमीन पे लगता कितना है, ये तो सबको मालूम है कितना पैसा उसमें चला जाता है। कमीशन तो ऐसा हो गया लगता है जैसे कोई लीगल हो गया है, आधे ज्यादा पैसा उड़ जाता है। तो मेरी ये मांग है कि जो डेवलप्ड एरिया है उससे ज्यादा उन एरियों में फंड मिलना चाहिए जहां पर काम बहुत ज्यादा है, जैसे स्लम एरिया में। और कुछ दलित बस्तियों के लिए अलग से फंड मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम बस्तियां भी दलित बस्तियों से ज्यादा खराब हालत में है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फंड मुस्लिम बस्तियों के डेवलपमेंट के मिलना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सरकार ने 18,535 करोड़ का एलोकेशन की दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी को 505 करोड़, मैं सरकार के बजट की सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ओबीसी एसटी और एसटी को तकरीबन 18,000 करोड़, पिछली सरकार ने सिर्फ 450 करोड़ दिया था, अब की सरकार ने 550 करोड़, 100 करोड़ बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी की तादाद महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की तादाद भी 25% के करीब है अगर सब मिलाएंगे आप तो, लेकिन उनको कितना 550 करोड़। अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करता हूं कि कम से कम 1,000 करोड़ उनको दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। देखिए आजादी के वक्त जब ये देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त मुसलमानों के पास, जब आजाद हिंद फौज बनी थी बर्मा में, तो मुसलमानों के पास पैसे थे, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर यूसुफ मारफानी ने 1,25,00,000 रुपया दिया था आजादी की जंग लड़ने के लिए। अध्यक्ष महोदय, 1962 की जंग में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने आवाज किया था कि पैसे, हम लोग छोटे थे हमें याद है कि लोग चंदा जमा कर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों का हालात अच्छे थे, तो 6 टन सोना हैदराबाद से मीर उस्मान अली ने दिया था, यह हालत थी। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है, जैसे देश आजाद हुआ गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया, अध्यक्ष महोदय उस वक्त मुसलमानों के पास लिप्टन बॉन्ड, लिप्टन चाय, लाइफ बॉय, सनलाइट, पेट्रोमैक्स, एक्साइज बैटरी, मुगल लाइन के जहाज, मैनचेस्टर के कपड़े, बर्मिंगम के कागज, बाटा के जूते की सारी कंपनियां, आदम जी एंड कंपनी, बहुत सारे मुसलमानों के हाथों में थी। लेकिन जैसे गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू करना है, मुसलमानों ने सारी कंपनियों को छोड़ दिया और ये कंपनियां गुजरातियों ने, मारवाड़ियों ने औने पौने दाम पे ले लिया। उसी वक्त से मुसलमानों की हालत देश में बहुत खराब है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये इस वक्त है कि कम से कम अगर हम गाड़ी में जाते हैं, आज देखते हैं
अध्यक्ष महोदय हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां देखा कि गंदी बस्ती है, पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, पढ़ने को स्कूल नहीं है, वो अपने आप हम समझ जाते हैं मुसलमानों का इलाका है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि ये बजट बढ़ाया जाए, 5% जो रिजर्वेशन कहा गया है वो हाईकोर्ट ने कहा है, हम कोई धर्म के नाम पर नहीं मांग रहे हैं। हाईकोर्ट ने जिस तरह कहा है कि बैकवर्ड जिनकी हालत खराब है, गरीबी की रेखा से नीचे, ऐसे लोगों के लिए हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन उन गरीबों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो 65 एकड़ जमीन मुसलमानों की थी, जो सर यूसुफ ने आजादी के पहले खरीद कर मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाया, मस्जिद बनाई, 65 एकड़ जमीन, आजादी के बाद उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। आदरणीय शरद पवार साहब ने पहले मैनिफेस्टो में लिखा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये मुसलमानों को दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है हमारी सरकार आएगी तो ये हम यूसुफ इस्माइल कॉलेज मुसलमानों के हवाले कर देंगे। बहुत हालत खराब है, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप उस कॉलेज को, उस कॉलेज की जगह जो बची, अभी बची भी 25-30 एकड़ बची है, बाकी तो औने पौने लोगों ने कब्जा किया है, जो बची जगह उसको भी दे देंगे तो कम से कम मुसलमानों के थोड़ा घाव भर जाएंगे। ये मेरा मंत्री जी से आज इस मौके पर निवेदन है। अध्यक्ष महोदय आज टेक्सटाइल की हालत बहुत ही खराब है, तो आपने जो उसने बिजली की बिल के लिए उसमें कुछ प्रोविजन किया हुआ है उनको सब्सिडी देने के लिए, कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए और पावरलूम सेक्टर को मजबूत किया जाए। मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 12 सेंटर बनाए जाएंगे, बजट में प्रोविजन 1300 करोड़ का दिया गया है। अध्यक्ष महोदय जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर के लिए 300 एकड़ जमीन तय हुई थी, लेकिन नहीं, न मालूम क्या हो गया कि आज तक वो बनी नहीं। मेरा निवेदन है कि अब सरकार सेकुलर सरकार है, ये सरकार हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, फिरका परस्ती नहीं है अभी। तो कम से कम अगर अलीगढ़ के लोग वहां सेंटर बनाना चाहते हैं तो अलीगढ़ सेंटर जो पूरे बहुत सारे स्टेट में बन चुका है, महाराष्ट्र में बना दिया जाए, ये मेरी मांग है। वहां पर एक अलीगढ़ डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ये मेरी मांग है। भिवंडी में एक मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत जरूरी है, वहां अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, वहां मजदूर लाखों लाख मजदूर पूरे देश से आकर के ऐसा काम करते हैं, 6 महीने पावरलूम में काम करते हैं, टीबी के मरीज बन जाते हैं। कम से कम अस्पताल वहां एक मेडिकल कॉलेज खोजा जाए और उससे अस्पताल लोगों का इलाज हो सके, वहां पर अस्पताल भी खुलेगा। मानकू शिवाजी नगर में अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कॉलेज की बहुत जरूरत है। मराठी भाषा के लिए भवन में बजट में किया गया, मुझे बहुत खुशी है, मैं अभिनंदन करता हूं सरकार का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले सरकार ने उर्दू भवन के लिए कलीना में जगह का इनॉग्रेशन भी कर दिया, लेकिन आज तक जगह बनी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू भवन भी जल्द से जल्द वहां बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय मैं रेडियो क्लब के पास से जुहू मलाड मीरा रोड मुमरा वगैरह जाने के लिए सी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए, बहुत हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय अगर आज मुमरा जाना हुआ तो हम लोग को ट्रेन में जाना पड़ता है, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है, तो कम से कम अगर रेडियो क्लब के पास से सी ट्रांसपोर्ट का, नहीं वो तो मेरे दोस्त जाता ना वहां पे, तो सी ट्रांसपोर्ट ये सरकार शुरू कर देगी तो कम से कम मुमरा को भी देंगे, मुमरा भिंडी एक ही जगह हो जाएगा, वहां से गोंडी रेलवे से बहुत ही हालत खराब है ट्रैफिक की, गोंडी रेलवे से स्काई वॉक बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां स्काई वॉक बना दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है खत्म हो जाए। डायलिसिस सेंटर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हर 50 किलोमीटर पर एक डायलिसिस सेंटर बनना चाहिए। रोजगार के नया रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा यह कहना है सर कि अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो कम से कम जो फेरी वाले बैठते हैं इनके लिए कोई ऐसे जोन बना दिए जाए कि कम से कम लोग वहां जाकर रोजी रोटी कमा सके। अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो ऐसी जगह बना देना चाहिए जहां लोग बेचारे अगर नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम खुद जाकर के अपना कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। आज क्या हो रहा है, पुलिस जाकर वहां हफ्ता वसूल रही है, म्यूनिसिपलिटी वाले जाकर उनकी दुकानें बंद करा देते हैं, तो कम से कम इसका इस पर ख्याल करते हुए इसका कुछ सरकार बंदोबस्त करे। जो लोग रिक्शा चलाना जानते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाना जानते हैं, इनको सरकार कम से कम कुछ जल्दी मदद करे ताकि ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। क्योंकि 45 सालों में जब से ये बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी घट गई है, तो कम से कम इस पर अगर हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र को ये खुशी होना चाहिए कि देश के कोने कोने के लोग आकर बेचारे भूखे आते हैं, इसी महाराष्ट्र में आकर रोजी रोटी कमाते हैं। ये महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात का,
इसलिए इन चीजों को ध्यान देते हुए सरकार जरा इन पे ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। मैं इस बजट का सपोर्ट करता हूं और पिछले साल के बजट से ये बजट बहुत अच्छा है, हमने इसको कई जगह कहा है, लेकिन थोड़ा अगर माइनॉरिटीज के लिए आप 1,000 करोड़ कर देंगे तो मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा आंसू पूछ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।